जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। सी, जब किसी पर्टिकुलर प्लेस में डिजास्टर का अक्रेंस होता है तो उस प्लेस में गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स को तथा एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सेविंग द लाइफ ऑफ पीपल, देन प्रोवाइडिंग फूड एंड मेडिसिन टू अफेक्टेड पीपल, देन डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना ही डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। सो सिंपली, डिजास्टर मैनेजमेंट इज एन इंटेग्रल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू डील विद डिजास्टर, राइट? और डिजास्टर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, राइट? कैसे? सो फॉर एन एग्जाम्पल, जो प्री डिजास्टर फेज होती है, विच मीन्स बिफोर द अकरेंस ऑफ एनी डिजास्टर, गवर्नमेंट फोकसेस ऑन प्रिपेयरनेस। फॉर एन एग्जाम्पल, जो जैसे अर्थक्वेक की बात करते हैं, सो टू डील विद डिजास्टर, इंडिया को अर्थक्वेक जोन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक जोन वहां पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनको जो है रेगुलेट किया जाता है। देन प्रीवेंशन, फॉर एन एग्जांपल, टू डील विद सुनामी एंड साइक्लोन, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है, देन क्या हो जाएगा, मिटिगेशन हो जाएगा। ऐसे इनिशिएटिव्स या मेजर्स को फोकस किया जाता है जिससे द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर जो है वो रिड्यूस हो सके। ऑल्सो ऑन द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजास्टर, गवर्नमेंट फोकसेस टू सेव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, उनको सेफ प्लेस पर जो है डिस्प्लेस किया जाता है, राइट? देन वहां पर फूड एंड मेडिसिन को अवेलेबल कराया जाता है। एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिजास्टर, विच मीन्स दैट द पोस्ट डिजास्टर फेज, इसमें रिहैबिलिटेशन पर फोकस किया जाता है। जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको उनके ओरिजिनल प्लेस पर जो है रिहैबिलिटेट किया जाता है, जो भी डैमेज हो चुका है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट? और वहां पर जो नॉर्मल डे लाइफ है उसको रिस्टोर किया जाता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच प्री डिजास्टर फेज इंक्लूड्स प्रिपेयरनेस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन। ऑन डिजास्टर फेज इंक्लूड्स सेविंग द लाइफ ऑफ पर्सन, राइट, प्रोवाइडिंग फूड एंड मेडिसिन। एंड द पोस्ट डिजास्टर फेज इंक्लूड्स रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डेली लाइफ, राइट? नाउ वी विल स्टडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड दिस मे बी आस्क्ड एज एमसीक्यू इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? सबसे पहली चीज तो यह है कि इंडिया में डिजास्टर से डील करने के लिए एक एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है, राइट? तो पहला तो एमसीक्यू यही पूछा जा सकता है कि वेन वॉज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। सो ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ है, राइट? और इसने डिजास्टर मैनेजमेंट को इन वर्ड्स में जो है डिफाइन किया है। सो अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, राइट, द डिजास्टर मैनेजमेंट इज एन इंटेग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इंप्लीमेंटिंग मेजर्स विच आर नेसेसरी फॉर। तो ये जो जितने भी जो मेजर्स हैं ये किसके नेसेसरी होते हैं, राइट? सो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 डिफाइंस डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मेजर्स नेसेसरी फॉर। द फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर, राइट? और इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर एरियाज में लोगों को अवेयर करना, ट्रेन करना, राइट, वहाँ पर जो भी मिटिगेशन के लिए जो भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्स
कॉन्सिक्वेंसेस। अब किसी भी डिसास्टर को अकर होने से ह्यूमन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, या ह्यूमंस कैन नॉट कंट्रोल द डिसास्टर, बट हम उस डिसास्टर की जो रिस्क है उसको जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्लांट करना, राइट। ऑल्सो जो सुनामी है, राइट, टू डील विथ सुनामी, राइट, वी कैन हैव इंफॉर्मेशन सेंटर, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड इज रेडीनेस टू डील विथ एनी डिसास्टर, और रेडीनेस मीन्स हम जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या तो स्पेशल फोर्स को इस्टेब्लिश करना, राइट, फॉर एग्जाम्पल NDRF, SDRF, राइट, साथ ही साथ उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराना, सो दैट ड्यूरिंग द फ्लड, राइट, ड्यूरिंग द फ्लड, राइट, या साइक्लोन या जो भी डिसास्टर की कंडीशन है, वहाँ पर ये जो जितने भी हमारी फोर्सेस हैं और जो वर्कर्स हैं, ये फास्ट जो है, क्विकली जो है, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकें, साथ ही साथ मैक्सिमम अमाउंट में या मैक्सिमम नंबर में लोगों को बचा सकें, राइट। सो इन दिस वे रेडीनेस टू डील विद एनी डिसास्टर। देन फोर्थ इज प्रॉम्प्टनेस इन डीलिंग विद अ डिसास्टर। देन असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनी डिसास्टर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, राइट, एक पॉलिसी या प्लान को क्या करना, सबसे पहले तो प्लान, राइट, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, राइट, प्रोवाइड नेसेसरी इक्विपमेंट्स, राइट। देन आफ्टर दैट उसको टाइम टू टाइम, उसको क्या करना, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना, एंड इस तरीके से जो सीवियरिटी है उसको भी क्या करना, असेस करना। फॉर एन एग्जाम्पल सुनामी है, तो सुनामी कितने डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करती है, कितनी उसकी सीवियरिटी होगी, कितने लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ये उसकी सीवियरिटी को असेस करना। देन रेस्क्यू एंड रिलीफ हो जाएगा, एंड रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, राइट। सो देयरफॉर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो नेसेसरी है। देन देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सो लेट्स स्टडी different stages of disaster management. See, generally the occurrence of disaster and the problem arising out of it are managed in three stages. और यहाँ से भी जो है MCQs जो है exam में पूछे जा सकते हैं, right? जैसे first question तो यही पूछा जाता है कि which stage is known as anticipatory stage? Option A, pre-disaster stage, on-disaster stage, और पोस्ट डिसास्टर स्टेज। तो ये आपको तीनों को याद रखना है। तो प्री डिसास्टर स्टेज को ही एंटीसिपेटरी स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी डिसास्टर को, राइट, इसमें किसी भी डिसास्टर से डील करने के लिए जो है पहले से ही इनिशिएटिव्स जो है लिए जाते हैं। देन ऑन डिसास्टर, ऑन द अक्रेंस ऑफ डिसास्टर, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, NDRF होता है, और भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो लाइफ है उसको सेव करते हैं, या एक तरीके से उस डिसास्टर्स के इफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं। देयरफॉर दिस इज नोन एज पार्टिसिपेटरी स्टेज। देन जो पोस्ट डिसास्टर या आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिसास्टर जो रिकवरी स्टेज इंप्लीमेंट की जाती है, जिसमें रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से द प्री डिसास्टर स्टेज इज नोन एज एंटीसिपेटरी स्टेज, ऑन डिसास्टर स्टेज इज नोन एज पार्टिसिपेटरी स्टेज, एंड पोस्ट डिसास्टर स्टेज इज नोन एज रिकवरी स्टेज। लेट्स स्टडी वन बाई वन। द फर्स्ट इज प्री डिसास्टर और एंटीसिपेटरी स्टेज, राइट। सो प्री डिसास्टर और एंटीसिपेटरी जो स्टेज होती है, इस स्टेज में, राइट, द जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्रोवाइडिंग अर्ली इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु मे बी अफेक्टेड बाय द पॉसिबल डिजास्टर, and this is the best way to reduce the effect of any disaster. For an example, let's say this is the
दिस इज आर इंडिया। अब यहाँ पर कोई साइक्लोन है या फिर सुनामी है, तो अगर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सुनामी और देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ साइक्लोन, तो यदि हम इसकी अर्ली इंफॉर्मेशन इफ वी प्रोवाइड अर्ली इंफॉर्मेशन टू द पीपल, तो वहां से जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं उनको कोस्टल एरिया से क्या किया जा सकता है, डिस्प्लेस किया जा सकता है और सेफली प्लेस पर जो है पहुंचाया जा सकता है, राइट। सो द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रोवाइडिंग अर्ली इंफॉर्मेशन टू द पीपल। सेकेंड, मेंटली प्रिपेयर पीपल टू डील विद द पॉसिबल डिजास्टर। कई बार जब डिजास्टर अकर होती है तो कई जो पीपल होते हैं बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, वे अपने आप को जानबूझकर जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल कि अगर जैसे कहीं पर भी सुनामी आती है तो लोगों को सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए किसी सेफ प्लेस पर अपने आप को जो है पहुंचा देना चाहिए, बट समहाउ पीपल जो है उस समय पर सोच नहीं पाते हैं, इस वजह से वो ना तो कहीं पर मूव कर पाते हैं और ना ही वो सोच पाते हैं। इसीलिए चाहे वो साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, सबके लिए लोगों को अवेयर करना, एंड मेंटली प्रिपेयर पीपल टू डील विद द पॉसिबल डिजास्टर। थर्ड, मिनिमाइजिंग पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, राइट। फोर्थ इज प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक और डिजास्टर टू अकर, राइट। और इसमें क्या है, इसमें सम्मिलित हो सकता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लडिंग की हो सकती है, तो फ्लडिंग की इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो रिवर्स हैं उन पर चेक डैम्स को जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, राइट। ऑल्सो जो रिवर्स हैं, राइट, रिवर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स जो है प्लांटेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। देन सिक्स इज टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। देन चेंजिंग द डायरेक्शन एंड पाथ ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स स्पेशली एटमोस्फेयरिक स्टॉर्म्स, जिसमें क्या हो जाएगा, टॉर्नेडोस हो जाएगा और साइक्लोन्स हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो प्री डिजास्टर या एंटीसिपेटरी स्टेज होती है, इसमें गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अर्ली इंफॉर्मेशन, लोगों को जो है ट्रेन करती है, मेंटली प्रिपेयर करती है, साथ ही साथ उस डिजास्टर के जो इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, सर्टेन जो इनिशिएटिव्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है इंप्रूव किया जाता है, वर्कफोर्स को ट्रेन किया जा सकता है ताकि ऑन द अकरेंस ऑफ डिजास्टर उन लोगों को जो है फील्ड में बेहतर तरीके से उनके जो बेनिफिट है उनसे लिया जा सके। देन सेकेंड इज ऑन डिजास्टर और पार्टिसिपेटरी स्टेज, राइट। सो ऑन द अकरेंस ऑफ एनी डिजास्टर द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द सेविंग ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, चाहे वो फ्लड हो, सुनामी हो, राइट। ड्यूरिंग दैट टाइम सेविंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देन सेकेंड, जो लोग डिजास्टर में कहीं पर फंस चुके हैं, राइट, उनको सर्च करना, स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लड, राइट, सर्चिंग द पीपल, राइट, और उनको उस पर्टिकुलर अफेक्टेड प्लेस से एवेक्यूएट करना एंड रेस्क्यू करके उनको डिस्प्लेस करना। देन मिनिमाइजिंग सफरिंग एंड डैमेज, राइट, एंड टेक स्विफ्ट एक्शन, क्योंकि ऑन डिजास्टर या जब डिजास्टर अकरेंस होती है तो कई लोग जो है किसी न किसी मलबे के नीचे, राइट, या फिर किसी फ्लडिंग के दौरान कहीं पर वो रूफ पर जो है पहुंच जाते हैं, इसीलिए स्विफ्ट एक्शन लेना जरूरी है, राइट, क्योंकि ऑन द अकरेंस ऑफ डिजास्टर पीपल कैन सेव देमसेल्फ individually for more than 2 or 3 days, maximum 2 or 3 days. If within the 2 or 3 days, if we could not find them and rehabilitate to camp, then definitely unki life jo hai danger mein aa jati hai. Then providing basic necessities, for an example, jo
टेम्पोररी कैंप्स होते हैं, उनमें जितने भी अफेक्टेड पर्सन होते हैं उनको फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा और जो अदर रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उनको अवेलेबल कराना, राइट। ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स फॉर क्विक फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट हो, उनसे कोऑर्डिनेट करना। देन पोस्ट डिजास्टर या क्या हो जाएगा, रिकवरी स्टेज हो जाएगा, राइट। सो आफ्टर अकरेंस ऑफ द डिजास्टर, और वी कैन से दैट पोस्ट डिजास्टर या रिकवरी स्टेज में, राइट, सबसे पहले किया जाता है रिलीफ वर्क किया जाता है। जो अफेक्टेड पीपल हैं वो मेंटली, हेल्थली, राइट, सोशलली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनको इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट, इकोनॉमिक बेनिफिट या उनके लिए जो है गवर्नमेंट डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल कराती है जिसको हम रिलीफ वर्क कहते हैं, ताकि वो लोग उनकी लाइफ से वो जाए और वो उस डिजास्टर से अपने आप को बाहर ला सके। देन डिजास्टर रिकरेंस, राइट, और इसमें यहां पर शब्द आना चाहिए स्टॉप, राइट, स्टॉप डिजास्टर रिकरेंस, राइट। जैसे हम मान लेते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट, और यहां पर जो है सुनामी आकर हो चुकी है, सो गवर्नमेंट मस्ट टेक इनिशिएटिव सो दैट अगेन जब सुनामी इस एरिया में अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अकर सुनामी अगेन, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए या उसे मिटिगेट करने के लिए हमारे पास इनिशिएटिव होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि बिफोर 2000 द गवर्नमेंट वाज फोकस्ड ऑन, राइट, फोकस्ड ऑन पोस्ट डिजास्टर स्टेज, कि जो लोग अफेक्टेड हैं उनको गवर्नमेंट रिलीफ वर्क जो है अवेलेबल करा दी थी। बट आफ्टर 2004, राइट, गवर्नमेंट फोकसेस ऑन प्री डिजास्टर फेज, क्योंकि प्री डिजास्टर स्टेज में इफ बी इंप्लीमेंट इफेक्टिव मेजर्स तो डेफिनेटली ह्यूज नंबर ऑफ पीपल को जो है सेव किया जा सकता है। तो ऐसे मेजर को इंप्लीमेंट करना जिससे डिजास्टर का रिकरेंस ना हो सके। देन डिजास्टर क्या हो जाएगा, रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, राइट। ऑन डिजास्टर जिन लोगों को डिस्प्लेस करके टेम्पररी कैंप में रखा जाता है उनको रिहेबिलिटेट जो है रिहेबिलिटेट किया जाता है, जिसमें जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट, और वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एन एग्जांपल रोड्स, कैनाल्स, हाईवेज, राइट, उनको भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। नाउ लेट्स स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। Now I would like to tell you that this topic is very easy, right? आपको केवल और केवल इनमें से जो है इस टॉपिक को आप इसी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, right? इसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, right? Just understand everything, और once you have understood, you would be able to answer in the MPPSC prelims examination. Now let's study disaster management in India, right? And here are two facts, right? What was the condition before 2004 and what is the condition after 2004? See, until 2004, the focus of institutional organization and government policies of disaster management was limited to post-disaster management, which means after the occurrence of disaster, government logon ko economic jo hai, economic benefit available karati thi, wahan par jo bhi damage ho chuka hai usko reconstruct करा देती थी, राइट, और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पर गवर्नमेंट का फोकस था, राइट। बट आफ्टर 2004 सुनामी, राइट, और द मोर देन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु वर अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी, देयरफॉर गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड कि इफ वी हैव टू सेव ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स देन वी वुड हैव टू फोकस द प्री डिजास्टर स्टेज, right? Therefore, India now lays more emphasis on the pre-disaster phase, right, of the disaster management. That is, India focuses on preparedness, early warning disaster mitigation ho jayega, aur jo early warning disaster management system hai, right, this is very helpful to mitigate or to deal with tsunami and cyclone etc. and disaster prevention. These efforts are aimed at conservation of developmental gains,
तो वंस अगेन डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी फंक्शन हो सकें, साथ ही साथ जो डिजास्टर है उससे भी लोगों को बचाया जा सके, राइट। अगर हम देखें तो ये जो स्लाइड है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड यू टू स्टडी प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ से जो है MCQs आपसे पूछे ही जाएंगे, राइट। वर्ल्ड में चाइना इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय द डिजास्टर, राइट। ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, और वी कैन से दैट द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड इन चाइना, राइट। तो चाइना का एरियाज भी लार्ज है और देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, राइट। और इस वजह से यहाँ पर चाइना में नेचुरल डिजास्टर से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो चाइना, एंड आफ्टर दैट इंडिया, इंडिया इज द सेकेंड कंट्री अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। 60% ऑफ द टोटल एरिया, 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस सिवियर और माइल्ड ड्रॉट, राइट। अंडरस्टैंड, तो 60% एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस सिवियर एंड माइल्ड ड्रॉट्स, राइट। और इसीलिए तो इंडियन एग्रीकल्चर को मानसून का जुआ कहा जाता है। देन 12% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन कंट्री इज अफेक्टेड बाय फ्लड्स एज वेल एज रिवर इरोजन, राइट। इंडिया हैज 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन and which is affected by cyclones and tsunamis. Also 58% और ये आंकड़ा जो है आप, मैं आपको बता दूं कि ये जो आंकड़ा है ये 52 से लेकर 58 तक मिलता है या 56 तक मिलता है, इसलिए डोंट बी कन्फ्यूज, राइट। अप्रोक्सीमेटली 52-58% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड, और वी कैन से दैट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। इसके अलावा भी इंडिया के जो हिली, इंडिया के ऐसे स्टेट्स जिसमें माउंटेंस हैं, राइट, या हिली हिल्स हैं, उनमें लैंडस्लाइड्स हैं, राइट, क्लाउड वर्ड्स जैसे केरला हो जाएगा, राइट, फायर एंड अदर नेचुरल एंड मैन मेड जो कैलामिटीज हैं, राइट, ये भी जो है ये भी हमारे कंट्री को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इससे रिलेटेड पॉलिसीज को कितने लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। अब देखिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड, राइट, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ पॉलिसी, राइट, कोऑर्डिनेशन, राइट, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। देयरफोर देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया फ्रॉम नेशनल लेवल टू द ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल तक जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है, या जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं, राइट, या सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल पर इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है। तो हम वन बाई वन पढ़ेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल पर कैसे जो है कंडक्ट किया जाता है, देन डिजास्टर मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल। नाउ लेट्स स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल। अब आपको यहाँ से 3-4 जो फैक्ट्स हैं, राइट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिकॉज दीज मे बी आस्क्ड इन MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, राइट। सो एट नेशनल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और होम अफेयर्स, राइट। सो द डिजास्टर मैनेजमेंट इट इज अंडर द Ministry of Home Affairs. अब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर। द सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर मैनेजेस एंड डायरेक्ट्स द रिलीफ वर्क रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट, ग्रुप ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स
officials related to various ministries such as agriculture, railway, health, civil aviation are responsible, right, institutions for decisions as well as directions related to disaster management. Inke alawa, officials related to Central Water Commission, Weather, Defense, Building, Construction Department also participate in the disaster management. इसके अलावा नेशनल लेवल पर टू डील विद डिजास्टर पॉलिसी को फ्रेम करना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमिटी होती है जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी. एंड द सेंट्रल, राइट, द सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी इज फॉर्म्ड बाय कंसिस्टिंग ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ स्पेशल मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स रिलेटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, राइट, एंड अदर ऑफिशियल्स. इन सब को मिलाकर ही द सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो है फॉर्म होती है, राइट, और जिसका फंक्शन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एट द सेंट्रल लेवल. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स द टेक एग्जाम्पल ऑफ कोरोना पेंडेमिक, राइट. जब कोरोना इंडिया में स्प्रेड हुआ तो सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी ने ही प्लान किया कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, राइट, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनको वैन किया जाता है, राइट, जो सोशल गैदरिंग है उसको वैन कर दिया गया, राइट, और इस तरीके से जो है टेस्टिंग को कब इंक्रीज करना है, राइट, कब जीनोम सिक्वेंसिंग करना है, राइट, हाउ टू प्रोवाइड द वैक्सीनेशन. तो जो सेंट्रल लेवल पर जो पॉलिसी है दैट वॉज formed by Central Disaster Management Committee. Second, mobilizing necessary resources in different parts of the country to give guidelines to plan at state, district and village level. और हमने ये भी देखा है कि जो जितनी भी guidelines होती थी वो National Central Disaster Management Committee के द्वारा ही frame होती थी और फिर उनको state level पर implement state officials के द्वारा किया जाता था. Then arranging proper training, right? Evaluation of disaster at the national level. किसी भी disaster से कितना economic loss हुआ है, कितना socially loss हुआ है, कितने लोगों की death हुई है, इसको evaluate और assess करने का काम भी इसी committee के जो है direction पर होता है. Then arrangement of international cooperation and efforts to control disaster appropriately. Now state level या डिजास्टर मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल, राइट, और वी कैन से दैट डिजास्टर मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल और स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट. चलिए अब अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर डिजास्टर से डील किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, एंड वी हैव एग्जाम्पल कोरोना, राइट, जिस स्टेट में कोरोना के जो इन्फेक्शन रेट थी वो हायर थी, ऑब्वियसली वहाँ पर जो है उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज थी, राइट. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्ट विद द कंसर्न्ड स्टेट, राइट. जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है ये नेशनल लेवल पर पॉलिसी को फ्रेम करती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एफर्ट डालती है, बट जो एक्चुअली पॉलिसी और जो गाइडलाइंस होती हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट के द्वारा, राइट. और जैसे नेशनल लेवल पर सेंट्रल रिलीफ कमीशन, इन द सेम वे स्टेट में स्टेट रिलीफ कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट हु वर्क्स इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. जैसे सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी होती है, ऑन द सेम वे स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, राइट, और दिस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट्स इन द रिलीफ वर्क डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट ही या स्टेट लेवल पर ही डिजास्टर से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, राइट, या गाइडलाइंस हैं उनको इंप्लीमेंट कराया जाता है. देन डिजास्टर मैनेजमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिसको हम क्या कहते हैं डीएम और कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ या एसपी, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज फायर, हेल्थ एंड इरीगेशन, राइट। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम या कलेक्टर की होती है। ऑल्सो वेरियस जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एट ब्लॉक लेवल, और कोरोना के समय पर भी हमने ये देखा है कि सर्टेन हमारी कंट्रीज में जो डिफरेंट ग्राम पंचायत से, राइट, उन ग्राम पंचायत ने अपनी ग्राम पंचायत में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग ग्राम पंचायत से जा रहे हैं, राइट, उनकी एंट्री करवाते थे सो दैट उस ब्लॉक लेवल पर जो है कोरोना के इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ब्लॉक लेवल पर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विलेज लेवल जो है सबसे निचला क्या आता है, निचला ब्लॉक लेवल के नीचे विलेज लेवल जो है ये लोएस्ट लेवल होता है, और जो है विलेज लेवल के ऊपर क्या होता है ब्लॉक लेवल। तो इस तरीके से सबसे पहला हो जाएगा नेशनल लेवल, देन स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके नीचे क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है, राइट, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम और कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू ऑब्जर्व द वर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एट ब्लॉक लेवल, राइट। और ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो कमिटी होती है, राइट, अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी इंक्लूड ऑफिसर्स फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और जो कमिटी होती है इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं कि उस ब्लॉक में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी प्रिपेयर्डनेस को, या जो भी प्लान है उसको, प्लान को क्या करना, सबसे पहले तो जो है स्टेट जी को प्लान करना और उसके लिए एप्रोप्रिएट सजेशंस जो है अवेलेबल कराना, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा ट्रेनिंग हो जाएगा। तो इसमें भी वही तीन चीज़ें हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट, राइट, डिस्ट्रिक्ट क्या होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, वहीं ब्लॉक लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, राइट, जो कि ब्लॉक लेवल पर क्या करती है डिजास्टर मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करती है। अब सबसे अभी मैंने आपको बताया था कि क्या आता है लोएस्ट लेवल का रहता है, तो द रूरल डिजास्टर, राइट, यहां हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एट विलेज लेवल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये किसके द्वारा किया जाता है, रूरल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो द रूरल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस कमेटी का हेड कौन होता है, सरपंच होता है, कौन होता है, सरपंच होता है। इस वजह से जो है विलेज लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच की होती है। इस कमेटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला तो क्या हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द विलेज, तो विलेज के लिए प्लान को प्रिपेयर करना, देन जो रूरल पीपल हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, फॉर एन एग्जांपल स्विमिंग की ट्रेनिंग, या फिर किसी डिजास्टर से अपने आप को कैसे सेव कर सके उसकी ट्रेनिंग, आल्सो कंडक्टिंग द मॉक ड्रिल्स, राइट, मॉक ड्रिल्स, राइट, तो मॉक ड्रिल्स जो है वो कराई जाती है। इसीलिए आप देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है, इजी है, राइट, वही को वही पूरा का पूरा क्या है। जैसे नेशनल लेवल पर देखें तो नेशनल लेवल पर, राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑल्सो जो सेंट्रल, राइट, कौन, देखिए सेंट्रल जो रिलीफ कमिश्नर होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी हो जाएगी, सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, और इसका फंक्शन होता है नेशनल लेवल पर पॉलिसीज को फ्रेम करना,
राइट। फिर स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर स्टेट रिलीफ कमिश्नर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ स्टेट लेवल पर ये पॉलिसीज को फ्रेम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है राइट, हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का और जो कलेक्टर है उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पॉलिसी को फ्रेम करती है। ब्लॉक लेवल पर जो है ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है हेडेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसीलिए इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये ब्लॉक लेवल पर पॉलिसी को फ्रेम करती है। विलेज लेवल पर विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है राइट, हेडेड बाय सरपंच। तो यहाँ पर सरपंच और सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत की इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये विलेज लेवल पर पॉलिसीज को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो इस तरीके से आपको 3-3 पॉइंट्स जो हैं यू हैव टू कीप इन योर माइंड और आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सो नेशनल और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट राइट। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, द फर्स्ट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेट्स स्टडी अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राइट। सबसे पहले तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट राइट, ये 2005 से ही हमारे देश में क्या है, लागू है राइट मैंने आपको बताया है। तो हमारे कंट्रीज में राइट, इन आवर कंट्री टू डील विद द डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू डील विद द डिजास्टर। अब NDA में जो है ये अपेक्स बॉडी होती है किसमें, हमारी कंट्री में। तो NDMA इज द अपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री राइट। और इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका जो वाइस चेयरमैन होता है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी की जो है रैंक प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा भी इसमें 3 मेंबर्स होते हैं जो कि टेक्निकल फील्ड से होते हैं राइट। और इनका फंक्शन क्या होता है, सेटिंग पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस और जो इफेक्टिव एक्शन है, टाइम ऑफ डिजास्टर और उसके इम्प्लीमेंटेशन है, इसके लिए क्या करते हैं, ये फंक्शन करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो NDMA इज द अपेक्स बॉडी हेडेड बाय और चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट। इसके वाइस प्रेसिडेंट को कैबिनेट सेक्रेटरी का जो है दर्जा दिया जाता है। और NDMA में 5 मेंबर होते हैं राइट, चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स राइट। फंक्शन क्या है, सेटिंग पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट राइट। ऑल्सो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कमिटी होती है राइट। सो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है टू असिस्ट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बट अगर आप देखते हैं तो जो NDMA है, NDMA पॉलिटिकल क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स राइट। तो ये NDMA में जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। बट जो टेक्निकल नॉलेज है कि कौन सी डिजास्टर का अफेक्ट क्या होगा, हाउ टू डील विद दैट डिजास्टर, ये हमारे ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट के पास होता है। इसीलिए NDMA को असिस्ट करने के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है राइट। एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी राइट। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज टू असिस्ट द NDMA राइट। और इसका सेक्रेटरी कौन होता है, होम सेक्रेटरी। यहां पर कंफ्यूज मत होना राइट, NDMA का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर राइट, बट जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता है यूनियन होम सेक्रेटरी राइट। एंड इसके मेंबर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर राइट, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, फाइनेंस राइट। ये इनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। दिस कमिटी आल्सो डज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग
the actions taken on the occurrence of any disaster situation, right? तो ये एक तरीके से coordinating क्या होती है, apex body है. Then state disaster management क्या हो जाएगी, authority हो जाएगी. तो state level पर क्या होता है, SDMA में होता है, right? So at state level the SDMA headed by chief minister lays down the policies and plans for disaster management. तो state level पर SDMA होता है which lays down the policies and plans, right? और ये जो SDMA है ये किसके द्वारा head किया जाता है, chief minister के द्वारा. तो जैसे NDMA is headed or chaired by prime minister, in the same way SDMA is headed or chaired by the chief minister. इसका function क्या होता है, it coordinates the approval and implementation of state plan as per the guidelines laid down by the NDMA. तो NDMA जो guidelines को release करता है उस according to that जो state plan है उसको formulate किया जाता है और implement किया जाता है. The NDMA also reviews the development plans of various state departments to recommend provisions for disaster preparedness and mitigating to ensure, right? Integration of क्या हो जाएगा, measures हो जाएगा, यहाँ पर SDMA आएगा, right? तो state levels पर जो different, right? State levels पर जो different districts हैं, right? उनमें ये जो है जितने भी disaster management से related policy होती हैं, program होते हैं, उनको review करता है, right? To assist the SDMA, the state government constitutes a state executive committee headed by the chief secretary. तो बिल्कुल वही है कि जैसे NDMA को असिस्ट करने के लिए क्या है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है. इन द सेम वे SDMA को असिस्ट करने के लिए क्या होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट. नाउ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, राइट? तो द DDMA acts as planning, coordinating and implementing body for disaster management at a district level. And this is headed by district collector, deputy commissioner or district magistrate and the elected representatives of the local authority is the co-chairman. तो इसकी head कौन होता है, या तो district collector होता है, deputy commissioner होता है, या district magistrate होता है. और vice chairman कौन होता है, elected representative होता है. और ये जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है गाइडलाइंस रिगार्डिंग मिटिगेशन, राइट, प्रिपेयर्डनेस एंड एक्शन जो है ये इसी के द्वारा क्या किए जाते हैं, जो NDMA के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनको इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो DDMA की होती है. नाउ ये इस तरीके से हमने जो है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया है. अब हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे रिगार्डिंग मध्य प्रदेश. सो लेट्स स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट इन मध्य प्रदेश. अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट. मध्य प्रदेश जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, देयर फोर we do not have threat of tsunami as well as cyclone, but other jo jitni bhi disasters hain unse madhya pradesh kya hai, affect hai. To madhya pradesh is affected by natural disaster and man made calamities like flood, earthquake, right, drought and industrial calamities, and we are free from the tsunami as well as cyclones. But ye jo jitne bhi डिसास्टर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, फ्लड है, इनकी कंडीशंस को समझते हैं. तो 28 स्ट्रिक्स ऑफ MP आर अंडर अर्थक्वेक जोन 2. तो अर्थक्वेक जोन 2 में 28 डिस्ट्रिक्ट और 23 जो डिस्ट्रिक्स हैं वो जोन 3 में हैं, विच मीन्स दैट कि मध्य प्रदेश के जो 23 डिस्ट्रिक्स हैं वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में आते हैं. Also, in last 30 years in MP, 32 districts have been affected by flood, right? और ऐसे districts जो हैं affect हुए हैं जो कि नर्मदा, चंबल या बेतवा river basin में हैं. Also, 7 districts are affected by drought
इन विच सियोनी, झाबुआ, अलीराजपुर एंड धार। तो इस तरीके से क्लियर जो है फैक्ट आपको याद रखने हैं, राइट। 28 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन अर्थक्वेक जोन सेकेंड एंड 23 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन अर्थक्वेक जोन थर्ड। 32 डिस्ट्रिक्ट्स जो है मध्य प्रदेश के वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में है और द रिवर्स विच आर इन नर्मदा, चंबल एंड बेतवा रिवर बेसिन जो है मोस्ट अफेक्टेड है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो ड्रॉट से क्या है अफेक्टेड है, राइट। और फॉर एन एग्जाम्पल सिवनी, झाबुआ, अलीराजपुर एंड धार, राइट। अब मध्य प्रदेश में टू डील विद डिजास्टर, राइट, पॉलिसी को 2002 में क्या किया गया था, फ्रेम किया गया था। तो मध्य प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी वाज इश्यूड इन 2002 फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इन MP। बट हमें पता है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मध्य प्रदेश में भी इन मध्य प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज इम्प्लीमेंटेड, जिसको ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप सच सिस्टम स्ट्रक्चर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन द स्टेट सो दैट डिजास्टर हजार्ड्स एंड इफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस। ऑल्सो मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। सो इंटीग्रेटेड पॉलिसी इज बीइंग अडॉप्टेड एट डिफरेंट फेजेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो हमारे स्टेट में SDMA को एस्टेब्लिश किया गया है, ऑल्सो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। ऑल्सो स्टेट डिजास्टर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स SDRF। देखिए जब कभी भी किसी डिजास्टर का अकरेंस होता है तो वी मस्ट हैव स्पेशली ट्रेंड फोर्सेस सो दैट फ्लड के दौरान, अर्थक्वेक के दौरान, साइक्लोन के दौरान, राइट, क्विक जो है लोगों को जो है एवैक्यूएट कर सके, राइट। तो मध्य प्रदेश में भी SDRF हैज बीन फॉर्म्ड, राइट, विच वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद NDRF नेशनल डिजास्टर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स, राइट। एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में SDRF के जो सेंटर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, राइट। सो एट प्रेजेंट ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ SDRF हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन 4 मेजर सिटीज, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड ग्वालियर, राइट। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड ग्वालियर में SDRF को जो है ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है। आल्सो मध्य प्रदेश की जो पुलिस फोर्स है और फायर ब्रिगेड है उनको भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ट्रेन किया जा रहा है। सिमिलरली ट्रेनिंग फैसिलिटी हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस एंड एक्शन। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है क्विक एक्शन को इनिशिएटिव करने के लिए एक फंड भी जो है एस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है स्टेट डिजास्टर फंड। तो स्टेट डिजास्टर फंड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड जिसमें सेंटर का शेयर रहेगा 75% और स्टेट का शेयर रहेगा कितना 25%। और इस फंड का जो यूज़ है वो दिस फंड वुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। Also, Disaster Management Institute has been established in Bhopal so that disaster से निपटने के लिए हम लोगों को train कर सकें। Also, private and NGO have been included in it, right? So, in this way, we have studied the disaster management, right? So, now we have studied the various, right? We have studied the various topics of Unit 7. Now I would like to tell you that now we have two major topics, right? The first is biology, right? So जो जितने भी topic हैं, right? For an example, the human body, nutrition, right? Diseases, etc. So we would cover these topic in biology, right? And basic principles of science, right? So my dear students, right, we will study biology as well as basic principles of science as a science. तो जो unit 7 की science है उसमें हम biology और basic of जो science है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से unit 7 के ये जो 15 lectures हैं इनमें आप different topics को जो है पढ़ चुके हैं।
अपकमिंग लेक्चर्स में हम साइंस को कंप्लीट करेंगे जो कि यूनिट 7 से बिलोंग करती है, एंड उसके बाद में आपको पता है कि वी हैव टू स्टडी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, राइट? सो सिंपली वी विल से दैट वी विल स्टडी एनवायरनमेंट एज अ होल, क्योंकि एनवायरनमेंट से जो है हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो आपकी यूनिट 7 है, राइट, ये 3 सेगमेंट में है, राइट? द फर्स्ट सेगमेंट इज, राइट, द फर्स्ट सेगमेंट को हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, एंड इन द फर्स्ट सेगमेंट वी हैव स्टडीड स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड साइंटिस्ट इन इंडिया, राइट? देन फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, राइट? आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड हेल्थ, देन डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट? फिर जो सेकेंड सेगमेंट्स है उसमें हम साइंस, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, ह्यूमन बॉडी, राइट, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन वाले टॉपिक हैं उनको बायोलॉजी और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस को कंप्लीट करेंगे, और थर्ड फेज में जो है हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. सो इन दिस वे ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. वंस यू हैव स्टडीड इट, डेफिनेटली यू विल गेट एंड यू विल फैच द मार्क्स, राइट? सो वी विल मीट इन अपकमिंग लेक्चर. टिल देन थैंक यू.